नमस्कार, स्वयं प्रभा के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम सबीला रशीद है और आज हम विद्यालय पाठ्यचर्या में योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी योगा इन स्कूल करिकुलम। हमारे साथ प्रोफेसर सरोज यादव जी मौजूद हैं, जो एनसीईआरटी में डीन एकेडमिक्स के रूप में कार्यरत हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें 2005 की, तो इसमें योग को किस तरह से दर्शाया गया है? योग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया है कि ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा, यानी जो हमारी स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा जो सब्जेक्ट है उसका एक अभिन्न अंग के रूप में रहेगा। और ये भी कहा गया है कि तीनों को, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, योग को एक साथ जोड़ करके देखें, ना कि उसको अलग अलग विषय के रूप में हम जाने। तो इसलिए योग हमारे स्कूल करिकुलम NCF जो है हमारा, वो कहता है कि इसको उसका अभिन्न अंग मानो। तो जो भी सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विषय वस्तु होगी, उस विषय वस्तु में योग की विषय वस्तु भी शामिल होगी। जी, तो अगर हम लोग योग या हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, तो क्या इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाना जरूरी है? देखिए, स्वास्थ्य हमारा मुख्य उद्देश्य है और स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि किसी भी विषय को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और ये जितने भी हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बने हैं, इवन 88 का अगर हम देखें, 2000 का देखें, 2005 का देखें, वो सभी पाठ्यचर्य के रूप में यही बात करते हैं कि इसको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के एक अभिन्न अंग के रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको एक अलग विषय के रूप में दें। और अलग विषय के रूप में देंगे तो हमारे यहाँ अनगिनत विषय हो जाएंगे, तो हम किस तरीके से पढ़ाएंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसको बारे में बात करें और बच्चे योगिक अभ्यास करें, तब जाकर के इसका फायदा हो सकता है, वो ज्यादा जरूरी है। जी, तो अगर हम NCERT की बात करें, तो क्या NCERT ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं? क्या कोई किताबें निकाली हैं या कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी है, ऐसा कुछ? जी, NCERT ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2015 में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित किया गया और उसमें 193 कंट्री ने एग्रीमेंट किया कि यस, ये एक योग दिवस के रूप में मनाया जाए। उस उपलक्ष में NCERT ने कुछ किताबें निकाली हैं विशेषकर बच्चों के लिए। हालांकि कोई कह सकता है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि अभिन्न अंग है, एक तरफ आपने किताबें निकाली हैं, लेकिन वो किताबें अब हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ही एक तरह से पार्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जैसे पुस्तक है एक, जो कि अपर प्राइमरी स्टेज पर है, योगा ए हेल्दी वे ऑफ लिविंग, ये हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीन स्तर के बच्चों के लिए किताब निकाली है। और ये किताब तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जैसे हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और ये उर्दू में भी किताब हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो तीनों आप भाषाओं में आप कह सकते हैं कि किताबें उपलब्ध हैं। इसी तरीके से हमने सेकेंडरी स्टेज पर भी एक किताब निकाली है। अगर आप देखें तो सेकेंडरी स्टेज पर हमने इसको, और इसको टाइटल दिया है हेल्दी वे ऑफ लिविंग, क्योंकि हम जीवन जीने का एक स्वास्थ्य हेल्दी तरीका क्या होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने सेकेंडरी स्टेज के बच्चों के लिए भी किताब निकाली है। और इसमें भी हमने क्लास 9th के बच्चों को ध्यान में रखा और क्लास 10th के बच्चों को ध्यान में रख करके ये पुस्तकें निकाली हैं। और ये दोनों पुस्तकें हमारे पास तीनों भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में उपलब्ध है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी सबसे, इन किताबों की विशेषता ये है कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और इवन इसमें प्रोसेस, यानी योग की क्रियाएं जितनी भी हैं उनका अभ्यास किस तरीके से करें, उनके क्या स्टेप्स होंगे, वो क्या जाने जिससे कि वो कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इवन पढ़ करके भी, उसको देख करके भी अभ्यास कर सकता है। तो उस तरीके को ध्यान में रखते हुए कि जो पेडागोजिकल प्रोसेस है, जो करने की जो क्रिया है, पेडागोजी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इन तीन किताबों को लिखा गया है। जी, लेकिन अगर हम लोग योग की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर जो बड़े बुजुर्ग है उससे ज्यादा इसे रिलेट कर पाते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें वो योग जैसे जो शांति से और अपने मन को एकाग्र करके करने वाली चीज है, उसे खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इससे यूथ को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और इसलिए योग को हमने क्लास एक से पांच तक योग नहीं कहा, हमने कहा है कि योग से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनको इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं, क्योंकि योग एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक एरिया है जिसमें कि आपका मन शांत हो। जैसे बहुत सारी हमारी गाइडलाइंस हैं, जैसे योग सुबह करें तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह अगर समय नहीं है तो हम शाम को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम शाम को भी करें, शांत चित्त से करें, यानी मन हमारा थोड़ा शांत होना चाहिए। योग की क्रियाएं हमें शांत होने में भी मदद करती हैं कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। योग करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि स्थान थोड़ा खुला हो, हवादार हो, खिड़कियां खुली हो, तो वो भी ध्यान करने की जरूरत है। और योग तो ओपन में भी कर सकते हैं, हम किसी पार्क में बैठ के कर सकते हैं, जहां भी हमें जगह मिले उसमें हम योग को कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है कि जल्दबाजी में ना करें जी। क्योंकि योग जो है एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योग एक तरह से हमें अपने मन को शांत कर करके करने की एक विधा है जिससे हमारा मन स्ट्रेस कम हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि शारीरिक व्यायाम में और योग में अंतर है, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं हम जल्दबाजी में दौड़ करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम शांत चित्त पर बिल्कुल एकांत में अगर करते हैं, उसका मतलब एकांत का मतलब ये भी नहीं है कि हम ग्रुप में नहीं कर सकते हैं जी। तो वो एक बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि योग करने से पहले हमें अपने कपड़े भी थोड़े ढीले होने चाहिए जी। क्योंकि योग का मतलब है आराम से, शांत से, भाग करके नहीं, है ना, उस तरीके से करने की ज्यादा जरूरत है। योग में सीमाएं जरूर है कि व्यक्ति को ये देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन पुस्तक में भी देखेंगे, किताबों में भी, तो हमने हर आसन के साथ ये दिया हुआ है कि इस आसन को कौन करे और कौन नहीं करे, ये इस बात का ध्यान देना भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लिमिटेशंस को ध्यान में नहीं रखते, और उससे क्या है कि कुछ हमें परेशानियां हो जाती, फिर बाद में हम कहते हैं कि योग से हमें फायदा नहीं हुआ। तो ये सब बातों को ध्यान करना बहुत जरूरी है जी। अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें, उच्च प्राथमिक वर्ग की, तो उनके लिए भी किताबें एनसीईआरटी ने डेवलप की है, तो उन किताबों में क्या किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, इसमें हमने जो किताब है हमारी अपर प्राइमरी लेवल की, इसमें हमने इसको यूनिट के रूप में डिवाइड किया है, और एक तरह से हमने चार यूनिट इसमें रखी है। पहली यूनिट में तो हमने सबसे यही बताया कि योग क्या होता है ना, योग क्यों किया जाए, इसकी क्या महत्व है, इसको करने से क्या फायदा है। क्योंकि बेसिकली जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, सोशल हेल्थ भी जरूरी है, इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ। आजकल जो आपने कहा था ना कि बच्चों का ध्यान नहीं है, क्योंकि मेंटल इश्यूज बहुत है, इसलिए मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए योग बहुत आवश्यक है। खासतौर से आज के जो हमारे बच्चे हैं और नौजवान हैं, जितना स्ट्रेस उनके पास है, उस स्ट्रेस को अगर हम थोड़े बहुत योग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। और देखा भी गया है, अगर आप देखें कि एक समय होता था योग को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आप देखें तो आप कहीं पार्क में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो काफी लोग योग करते हैं, और लोगों को फायदा भी होता है योग करने से। तो ये जरूरी है, इसलिए हमने इस किताब में एक तो योग क्यों किया जाए, इसका महत्व क्या है, क्योंकि हमें व्यायाम से हो सकता है आप शारीरिक स्वास्थ्य अचीव कर लें, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अचीव करने के लिए, इमोशनल सोशल हेल्थ के लिए योग काफी महत्व है। योग का इतिहास बहुत संक्षिप्त में कि योग, क्योंकि हमारे ये हमारे भारतीय संस्कृति की देन है, उसके बारे में चर्चा की गई, योग दिवस मनाया गया, और ये देखिए कि यूनानिमसली सभी लोगों ने 21 जून को एक तरह से योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए सहमति हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा एक अचीवमेंट है। और इसमें कई बार लोगों को भ्रांतियां होती हैं कि योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम है जी। ऐसा नहीं है, योग में हम यम और नियम की बात करते हैं, और यम और नियम हम जब बात करते हैं तो हमारी सोच कैसी है, हमारा किस तरीके से हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, क्या पुस्तकें हम पढ़ते हैं, कितने हम साफ सुथरे रहते हैं, कि क्या हम खाते हैं, क्योंकि आहार विहार इस योग में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसमें यम और नियमों की बात करते हैं, इसमें आसन की बात करते हैं जो हमारे आसन है, प्राणायाम की हम बात करते हैं, प्रत्याहार की बात करते हैं कि किस तरीके से अपनी इंद्रियों को एक तरह से हम काबू में कर सकें, और क्रियाएं हैं इनका बात करते हैं, मेडिटेशन की हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसमें दी हुई है,
और फोकस हमारा अपर प्राइमरी पर है कि हम स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। जी तो जैसा कि प्रोफेसर सरोज ने बताया कि काफी सारी भ्रांतियां हैं योग के बारे में अगर हम बात करें तो, और सिर्फ योग जो है वो सिर्फ आसन के बारे में नहीं है या सिर्फ प्राणायाम के बारे में नहीं है, योग जो है वो 8 चीजों से मिलके बना है। हम यम की बात कर रहे थे, जो अगर हम सोशल चीजों की बात करें या फिर नियम की बात, आसन की बात, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से मिलकर ही संपन्न योग बनता है। तो प्रोफेसर सरोज, आपसे आगे ये जाना चाहिए, अगर हम माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी लेवल की, तो इस उनके लिए जो आपने किताबें बनाई हैं, एनसीईआरटी ने जो किताबें बनाई हैं, उनमें कौन कौन से विषय या उनमें कौन कौन से यूनिट मिलाए गए हैं? आप जैसे आप पूछ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं तो सामान्य है, कॉमन है दोनों के लिए, तो यहाँ भी हम यम और नियम की बात करते हैं और योग क्यों है, हिस्ट्री उसकी बात करते हैं, लेकिन इसमें आसन थोड़े बदल जाते हैं। जी। जैसे अगर आप सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो उस पर हमारा अधिक ध्यान है कि बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है और उसके व्यक्तित्व का अगर विकास करना है तो कुछ आसन है जो उनको मदद करते हैं। जैसे आप देखिए ना, बच्चा कैसे खड़ा है वो उसका व्यक्तित्व दर्शाता है। कई बच्चे झुक करके खड़े होते हैं, कई बच्चे बड़े स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो इसलिए ताड़ासन की बहुत जरूरत है। ताड़ासन है, उसमें कटी चक्रासन है कि बच्चे में लचीलापन भी होना चाहिए, तो कटी चक्रासन हमने लिया हुआ है, हमने कुकुट आसन लिया हुआ है, हमने मत्स्य आसन लिया हुआ है, भुजंग आसन है, मकर आसन है, सलभ आसन है, हला आसन है और सवासन, तो लास्ट में, क्योंकि आसन करने के बाद सवासन करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि व्यायाम करते हैं हम, उसमें तो कूलिंग डाउन एक्सरसाइज हम करते हैं, तो एक नॉर्मल पोजीशन पे आने के लिए भी सवासन का बहुत आवश्यकता है। इसमें हमने क्रियाओं का भी काफी मतलब क्रियाएं ली है, जैसे कपाल भाती क्रिया है, जैसे हमारे श्वास को हमारे उसको सफा करने में मदद करता है, अग्निसार है। इसी तरीके से प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात की है और भस्त्रिका प्राणायाम की बात की है, बंधा की बात की है जिसमें उड्यान बंध हम डिस्कस करते हैं, और ध्यान मेडिटेशन की हमने बात की, क्योंकि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बच्चों का बढ़ता है, बिल्कुल, और पर्सनैलिटी को और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इसी तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए भी हमने इसमें बात की है, क्योंकि पर्सनैलिटी के साथ साथ स्ट्रेस एक बहुत बड़ा आजकल आप कह सकते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो उसकी भी हमने बात की है, जिसमें हम आचार विचार व्यवहार इसकी तो बात करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम और दूसरी योगिक एक्टिविटीज की भी बात करते हैं। उसमें जैसे पद्मासन की बात कर रहे हैं हम, त्रिकोण आसन की बात कर रहे हैं, शशांक आसन की बात कर रहे हैं, उष्ट्रासन की बात कर रहे हैं, भुजंग आसन की बात कर रहे हैं, तो काफी हम आसन इसमें हमने दिए हुए हैं जिनके बारे में बच्चों को अवेयरनेस भी हो जी। और आप देखते हैं कि योग एक केवल अवेयरनेस करने से हम अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते, अगर हमने अपने स्वास्थ्य को सही करना है तो हमें ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम इसका सही लाभ उठा सकते हैं। जी, यानी कि हमें सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ योग के बारे में आपने जान लिया या पढ़ लिया, उतना ही काफी है, उसको अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में अगर आप इंक्लूड करें तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पे प्रोफेसर सरोज ये भी बता रही थी कि सिर्फ आसन करने से आपका फायदा नहीं होगा, बल्कि इसमें जो यम, जो बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है योग का, साथ ही नियम, यानी कि आप सोशली, आप सोसाइटी से कैसे जुड़ते हैं या पर्सनली अपने पर्सनल हाइजीन वगैरह का किस तरह से ख्याल रखते हैं, ये सब भी काफी जरूरी चीज होती है अगर आप योग के बारे में एक संपन्न योगी बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों के बारे में बात करें कि स्कूल में किस तरह से क्या जरूरतें हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए योग, कि वो कितने मेंटल स्ट्रेस वगैरह से वो गुजर रहे होते हैं, और ऐसे इस समाज में जहाँ पे जो हम लोग रोज ही देख रहे होते हैं कि काफी ज्यादा क्राइम भी, अगर स्कूल से रिलेटेड हम क्राइम देखें तो काफी ज्यादा क्राइम हो रहा है, तो उसमें योग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी प्रोफेसर सरोज, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, काफी सारे आसनों के बारे में आपने बताया जो अपर प्राइमरी लेवल पे है, तो एक दो आसन चित्र भी इनफैक्ट इसमें किताब में बने हुए, हमारे दर्शकों को अगर आप ये दिखा दें किस तरह से एनसीईआरटी ने ये किताबें डेवलप की है, ये इससे भी और इसमें पिक्चर के माध्यम से ये सारे आसन, किसी किसी आसन का हमने लेकर के पुस्तक के कवर पेज पे भी लगाया है जी, तो ये सारे आसन है। इसमें मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो आसन है
दिखने में कोई सोच सकता है कि बहुत आसान है, करना चाहिए, और आसान भी बहुत है। इसको आसान करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमने, मैं आपको एक किसी भी आसन का एक थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगी। जैसे मत्स्य आसन है जी, फिश का पोस्चर है ना, तो एक तो ये है कि आप ये देखेंगे कि आसन किसी ना किसी रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं जी। या तो किसी जीव का हमने लिया हुआ है ना, या हमने किसी, जैसे ताड़ासन है, ताड़ पेड़ से लिया हुआ है, लंबा सीधा होना चाहिए। तो ये करने के लिए हमने पूरा प्रोसेस दिया है। अगर मैं मत्स्य आसन की बात करूं तो इसमें यह है कि पहले किस पोजीशन में बैठे, तो उसमें है कि आप पद्मासन की पोजीशन में बैठना चाहिएगा। फिर आपको है कि आप अपना बैक को सपोर्ट दे करके, जैसे लाई ऑन द बैक विद सपोर्ट ऑन द एल्बो, उसको करना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस दिया है, लिफ्ट दिन गर्दन को उठाएं, है ना, सारा का सारा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। और इस प्रोसेस के बाद हमने ये भी बताया कि क्या करें और क्या ना करें जी। जैसे किसी भी आसन को करते समय सबसे पहले ये है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जर्क नहीं लगना चाहिए, मतलब बड़ा आराम से, बड़े शांत से हमें वो काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि कब नहीं करना चाहिए। अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी को नेक पेन है, किसी को, या कोई आप कह सकते हैं कि कोई और डिजीज है, बीमारी है, तो उसमें भी हमने कहा हुआ कि ये आसन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। सावधानियों के बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरह से इसमें बात की है जी। तो अगर हम योग करते समय अगर सावधानियों की बात करें तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अब जैसे हर आसन की अलग अलग सावधानी है जी। जैसे अगर मैं ये मकर आसन की बात करूं तो मकर आसन में क्या है कि क्या करें मैं, कि यदि कोहनियों को एक दूसरे के ऊपर रखने में कठिनाई महसूस हो तो उन्हें थोड़ा अलग रखा जा सकता है। पेट से गहरी सांस लेनी चाहिए। क्या ना करें, छाती को जमीन पर सख्ती से ना दबाएं, पैरों को एक साथ ना रखें जी। तो ये हमने दिया हुआ है, इसके लाभ भी हैं कि क्या क्या लाभ है। जैसे अगर आप आसन की बात करें, भुजंग आसन, अब किसको नहीं करना चाहिए भुजंग आसन? जिन लोगों को हर्निया है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको आंतों के क्षय रोग है, जिनको अत्यधिक पेट दर्द से पीड़ित है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो हमने साथ साथ सीमाएं भी दी हैं लेकिन लाभ भी दिए हैं कि इनके लाभ क्या हैं और इनकी सीमाएं क्या हैं। तो जिससे करते समय, और इसमें जो सबसे जरूरी बात यह है कि जब एक अध्यापक है वो ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। अगर अध्यापक प्रशिक्षित नहीं है तो कभी कभी वो गलती से ठीक तरीके से आसन नहीं करवाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसलिए हम फोकस कर रहे हैं और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे जो टीचर, विशेषकर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ये ऑलरेडी पार्ट है, तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो भी अध्यापक है वो ट्रेनिंग अगर उसकी है योग में, तो तभी उसको इस तरीके के आसन करवाने चाहिए और बच्चों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि गलती से गलत स्टेप ले लिया तो वो आसन फायदा करने के बजाय नुकसान कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अहम इसमें विषय का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आसन, अगर आप कोई भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल निगरानी में किसी के जो प्रशिक्षित है योग के, उसके निगरानी में आप करें, या फिर उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लें, वीडियो वगैरह देख लें। मैम अगर वीडियो की बात करें तो हम लोग यहाँ एनसीईआरटी में, आप बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो प्रोग्राम्स में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और वो एनआरओईआर जो हमारी नेशनल रिपोजिटरी है उस पर भी आप जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में वीडियो, उसके बारे में हमारे दर्शकों, ये जो हमने पुस्तकें बनाई तो हमें लगा कि कई बार क्या होता है कि पढ़ने से समझ में शायद ना आए जी, तो क्यों ना आसन के हर स्टेप को आप वीडियो के माध्यम से दिखाएं जी। तो इस पुस्तकों में जो आसन हमने, जिनकी बात की है, जिन प्राणायाम की बात की है, जिन क्रियाओं की हमने बात की है, उनको हमने अध्यापकों और बच्चों के माध्यम से जी, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं के माध्यम से हमने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। और वो आप कह सकती हैं कि सभी आसन, सभी प्राणायाम जो इन पुस्तकों में है वो वीडियो में भी उपलब्ध है, तो वो उनको देखा जा सकता है। और वो तो फ्री डाउनलोड, एनसीईआरटी के जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी मटेरियल है, उसको फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो एनसीईआरटी के एनआरओईआर पर अगर नहीं मिलते हैं तो उसको दोबारा देखते हैं कि उपलब्ध होने चाहिए जी। और वो हम डालने वाले हैं।
जी बिल्कुल, यानी NROR हमारी एक नेशनल रिपोजिटरी है, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं. और योग के अलावा भी अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी परेशानी हो तो उससे आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, फाइल्स हैं, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं. अपने क्लास में अगर ये एक शिक्षक एक प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने क्लास में उसे एक मटेरियल की तरह, असिस्टिव मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अगर जो बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उन्हें पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो इस वेबसाइट पे जाके जो भी आपकी परेशानी है उससे रिलेटेड आप कंटेंट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मित्रों में भी बांट सकते हैं. तो आज जो हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो योग के बारे में बात कर रहे हैं कि योग को अगर हम स्कूल पाठ्यचर्या में इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं तो किस तरह से इसे इंक्लूड करना चाहिए या क्या फायदा है योग का इंक्लूड करने में. प्रोफेसर सरोज, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कई दफा ऐसा होता है कि हम योग को एक धर्म के साथ जोड़ देते हैं. ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे देश में. इसके हम लोग फायदे के बारे में नहीं बात करते हैं बल्कि एक धर्म से जोड़ के बात करते हैं. तो आप इसमें कितनी सहमति रखती हैं आप इससे? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि योग को धर्म से जोड़ करके हम देखते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में है जी. लेकिन योग की जो भी क्रियाएं आप देखेंगे, जो भी आसन आप देखेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित है ना. तो इसलिए हम कहते हैं कि योग एक साइंस है, वो एक किसी भी रिलीजन का किसी और किसी भी धर्म से कोई उसका संबंध नहीं है. हो सकता है कि ओरिजिनलिटी उसकी किसी एक धर्म से हुई हो, लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं कि योग को स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो, और योग को किसी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि योग की जो क्रियाएँ हैं वो क्रियाएं ऐसी हैं कि वो हमें एक तरह से मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं, बच्चों में कंसंट्रेशन बनाए रखने में मदद करती हैं, और आजकल के समय में तो और ज़्यादा आवश्यकता है जब आपका जो पारिवारिक स्थिति है, फैमिली स्ट्रक्चर है, वो एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली हो गई है. उसमें आपकी मदद करने वाला अगर कोई उस तरीके से, पहले तो जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई होता था जो हमारी बच्चों की, हम जब बच्चे थे तो मदद करते थे, लेकिन आज के समय में जब स्ट्रेस बढ़ गया है और पढ़ाई का खास तौर से विशेषकर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा है, खास तौर से विशेषकर आप कहेंगे कि रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस दिया गया है, तो उसमें योग काफ़ी मदद करता है. तो योग को धर्म से ना जोड़ करके देखना चाहिए बल्कि योग को एक तरह से साइंटिफिक वे में और किस तरीके से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में मदद करता है उस रूप में हम देखें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा. और इसीलिए हमने अधिक से अधिक बच्चों तक ये किताबें पहुंच सके और योग वो कर सके, हमने इसको उर्दू में भी किताबों को डेवलप किया गया, जिसको आप दिखा सकती हैं कि ये किताबें हमारी उर्दू में भी उपलब्ध हैं. तो जो बच्चे इवन जिनको लगता है कि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है जी, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. और बहुत सारे आपके टीवी प्रोग्राम में भी देखेंगे, अब बहुत लोग सभी धर्मों के लोग योग में विश्वास करने लग गए हैं क्योंकि ये इसके फायदे अधिक हैं और ये किसी विशेष धर्म का नहीं है जी. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये उर्दू में भी योग की बुक NCERT ने प्रकाशित की है. इसमें भी अच्छे से डूज एंड डोंट्स की क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में बताया गया. चित्रों के माध्यम से यहाँ पे आसनों को अच्छे से समझाया गया है, आसनों के नाम दिए गए हैं. जो बच्चे हैं वो इमेज देख के भी सीख सकते हैं. वीडियोज भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. एंड में असेसमेंट के लिए भी काफ़ी सारे असाइनमेंट्स दिए गए हैं कि बच्चों को हम लोग असेस कर सकें कि कितना उन्होंने सीखा है, कितना नहीं. जी जी, यहाँ चित्रों के माध्यम से और हमने हर आसन के कोशिश की है कि उसके जो भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसेस है, उसके चित्र दिए जाएं जी, जिससे कि बच्चे करते समय उसको आसानी से देख सकते हैं और कर भी सकते हैं. तो ये एक हमने एक ध्यान रखा है. और जो आपने कहा ना कि लिमिटेशन कौन कौन सी है, तो लिमिटेशन हमने एक तो जनरल गाइडलाइंस दी है जी, कि ओवरऑल जैसे खुले वातावरण में करें, ढीले कपड़े पहने, बहुत कठोर जमीन पर सीधा ना करें बल्कि बीच में कोई दरी या मैट जी जरूर रखें. तो कुछ तो हमारी सावधानियां और निर्देश जो है वो कॉमन है,
लेकिन हमने कुछ विशेष कर भी सावधानियां दी हैं, जैसे अगर प्राणायाम करें तो क्या नियम होंगे, आसन करें तो क्या नियम होंगे, तो ये सब करने की भी जरूरत है। जी तो लगातार हमारे YouTube पे भी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उन्होंने पूछा है कि सांस को रोकने के लिए कौन से आसन करने चाहिए, एक कि ज्यादा लंबे समय तक के लिए आसन बताएं। तो ये सारे आसनों के बारे में सिर्फ श्वास रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन आसनों के बारे में नहीं बात कर रहे बल्कि और भी आसन है जो NCERT में जो मेंशन किए गए हैं। मैम कुछ आसनों के बारे में अगर बता दें हमारे दर्शकों, क्योंकि वो खास रुचि रख रहे हैं, रुचि रख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक ऐसा आसन बताती हूँ जिसमें बहुत सारे आसन आते हैं, हालांकि कभी कभी लोग उसके बारे में कहते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, तो लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू धर्म से ज्यादा संबंधित है, लेकिन क्या हमें सूर्य की किरणें नहीं चाहिए? हम सभी को सूर्य की किरणें चाहिए जी। तो इसमें जैसे है कि पहले हम नमस्कार की मुद्रा में खड़े होते हैं जी। इस आसन में 12 इसके आसन है, तो नमस्कार की मुद्रा में, फिर हम एक तरह से हस्तोत्थान आसन की मुद्रा में खड़े होते हैं, फिर इसमें पद्मासन की पाद हस्तासन की मुद्रा में खड़े होते हैं, तो इसमें 12 एक तरह से इसकी क्रियाएं हैं जिससे वो पूरा होता है और शरीर का पूरा लचीलापन उसमें आ जाता है, क्योंकि आप खड़े भी होते हैं, आप लेटी हुई पोजिशन उस तरीके से भी करते हैं, फिर आप झुकते भी हैं, तो उसमें बहुत सारे आसन आ जाते हैं। इन्होंने एक ने सवाल पूछा था कि श्वास रोकना, देखिए इस किसी भी आसन का अर्थ श्वास को रोकना नहीं है जी। अगर कोई पूछे कि 21 जून क्यों चुना गया योग के लिए, तो इसलिए चुना गया कि हमारी आयु जो है वो लंबी हो, तो अगर सांस रोक के बैठ गए और श्वास नहीं लिया गलती से भी, तो हमें फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत देर तक श्वास को रोकने की आवश्यकता नहीं है, और योग में कहा ही जाता है कि आराम से जितनी देर तक आप कर सकते हैं कि आपको कोई कठिनाई ना हो, फोर्स नहीं होनी चाहिए इसमें, तो वो एक ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। एक बहुत सिंपल आसन ताड़ासन जैसे है। ताड़ासन में क्या है कि हम पहले सीधा खड़े होते हैं, क्योंकि आसनों का एक और अर्थ है कि हमारी जो बैठने की, खड़े होने की, लेटने की, सोने की जो मुद्राएं हैं उनको भी ठीक करने की आवश्यकता है। हम खड़े कैसे होते हैं, कभी हमारा पीठ पीछे निकली होती है, कभी हम पैर मोड़ करके खड़े होते हैं, तो ताड़ासन इसमें बहुत एक मदद करता है। इसी तरीके सीधा, जैसे अब अगर आपको मैं ये चित्र दिखाऊं, तो इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि एकदम स्ट्रेट जी खड़े होने की आवश्यकता है, हाथ को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऊपर कर सकते हैं, तो ये सीधे जब हाथ करते हैं तो इससे एक्सरसाइजेस हमारा, एक तो इसमें लंबाई बढ़ने में भी मदद होती है कि बच्चा जब इस तरीके से करता है तो लंबाई, दूसरा ये कि आसन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दिन कर लिया या दो दिन कर लिया, उससे हमें ज्यादा फायदा है, ये नियमित रूप से हमें करने की भी आवश्यकता है, तो ये एक बहुत जरूरी है। तो आसन सिंपल से आसन भी करें, कटी चक्र आसन है जैसे कि इसको अगर करेंगे तो इससे हमारी कमर में लचीलापन आएगा, है ना, और हमारी गर्दन भी ठीक रहती है, गर्दन को, क्योंकि मूवमेंट हमारी गर्दन की भी मूवमेंट होती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ये है कि यदि आप लंबे समय से रीढ़ की हड्डी में दर्द हो और चोट हो तो इसको नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेन योग में क्या है कि योग जब हम कहते हैं साइंस है, तो इसके जो नियम हैं उनको ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर हम उसको ध्यान में रख के करेंगे तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। यानी कि अगर हम NCERT बुक्स की बात करें तो ये साइंटिफिक तरीके से कंसल्ट करके ये किताब बनाई गई है कि आपको सारे डूज एंड डोंट्स या फिर क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या सही तरीका है इसे करने का, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। प्रोफेसर सरोज, हमारे पास आखिरी 2 मिनट बचा है, क्या आप हमारे दर्शकों को अंत में कुछ और बताना चाहेंगे? कुछ मैं अंत में यही बताना चाहूंगी कि योग एक जीवन जीने का एक तरीका है, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए अगर वो योग करते रहेंगे तो हम अपने जीवन को लंबा और अपने जीवन को अधिक कुशल बना सकते हैं, विशेषकर हमारे बच्चे, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश में नवयुवकों की संख्या अधिक है, लेकिन वो नवयुवक जब तक स्वस्थ नहीं है तो हम उनको नवयुवक को एक तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह सकते। तो स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत आवश्यक है। योग बहुत सिंपल है, ये हमें स्ट्रेस से मुक्ति देता है, ये हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है, और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं
तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। जिस समाज में रह रहे हैं समाज की प्रगति भी निर्भर करती है कि हमारे नवयुवक हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी स्वस्थ है। और स्वस्थ रहने के लिए योग एक ऐसा तरीका है जिसमें ना खर्चा होता है, सिर्फ हमें खुद करना होता है, इसमें किसी प्रकार की किसी दवाई को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि योग एक ड्रगलेस सिस्टम है जिसमें बिना पैसे किए बिना खर्च किए सिर्फ थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ समय की ज़रूरत है, ना किसी पैसे की ना किसी खर्चे की। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और योग करते रहिए। नमस्कार।